तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पेटीएम का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, जिसको बहुत किसी के साथ प्रॉब्लम हुआ होगा, जो अभी तक मतलब इसको किसी का शॉर्ट आउट हो गया होगा, किसी का नहीं हुआ है। तो वो प्रॉब्लम था यूपीआई ट्रांजैक्शन का। जैसे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करने जाते होंगे तो आपको वहाँ पर दिखा रहा होगा ट्रांजैक्शन रिजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, ये क्यों लिख रहा है, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल डेली अर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सिंपली इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही यहाँ पे ऑफर की वीडियो डालते रहते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वो यू पी आई ट्रांजेक्शन मतलब क्यों फील्ड लिख रहा है। तो सबसे पहले मैं अपना यू पी आई यहाँ पर दिखा देता हूँ एक करके, जिसमें आपको यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र पर चला जाते हैं, और यहाँ पे मैं एक यूपीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक यूपीआई सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अमाउंट में कुछ भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 25 रुपये देकर आपको दिखाने के लिए किया हुआ है। और मैं यहाँ पे अपना यूपीआई डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना यूपीआई डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर सेंड करने जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिजेक्ट एक लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये आपके साथ भी हो सकता है या हो रहा होगा, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कि इस मतलब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कस्टमर केयर में फ़ोन लगाया था, लेकिन आपको ही मालूम होगा कि यहाँ पे कस्टमर केयर इनका बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, तो कॉल नहीं जल्दी रिसीव कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉल लगाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो हमारी जानकारी नहीं दे पाए। तो मैंने इसे इनको क्या किया, ट्विटर पर फॉलो किया, ठीक है। इनका एक ट्विटर पेज भी है, आप चाहे तो वहाँ से जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ट्विटर पर इनको फॉलो किया है, तो मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पे कौन सा मैसेज दिया है और क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मेरा मोबाइल नंबर इतना से यूपीआई ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प। तो यहाँ पर इनका जवाब आया हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या जवाब हुआ है। हाय, यहाँ पर लिखा हुआ है हाय काइंडली शेयर द एरर्स, मतलब शॉर्ट स्क्रीन, इन्होंने शॉर्ट स्क्रीन यहाँ पे मांगा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना जो भी मतलब ट्रांजेक्शन फेल किया था वहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन इनको सेंड किया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या मैसेज आया हुआ है, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई योर ट्रांजेक्शन हैज़ बिन डिक्लाइन एज मल्टीपल मोबाइल नंबर्स आर फाउंड टू बी एसोसिएटेड विथ द डिवाइस यू यूज। यानी कि मैं इसमें बता देता हूँ, इनका कहना है कि आपको एक मोबाइल में जो है अधिक मतलब अधिक नंबर से पेटीएम चला रहे हैं, इसीलिए आपका ट्रांजैक्शन जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो वैसे तो मैं यहाँ पे अपने एक मोबाइल में दो पेटीएम चलाता था, एक मेरा यहाँ पे है और एक जो है आपको यहाँ पर मेरा, ये दोनों मतलब दो नंबर से मैं अपना पेटीएम जो है चलाता था, इसलिए शायद हो गया होगा, ठीक है। यानी इसी लिए हुआ है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना एक पेटीएम जो है उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हमारा एक पेटीएम जो है अनइंस्टॉल हो गया, उसके बाद में हम मैं यहाँ पे अभी तो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद में हम यहाँ पे फिर से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो यही जो इसका मतलब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम था, और शॉर्ट आउट आप देख ही लिए कि इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर जाके आप ट्विटर पर इनको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और इनको फॉलो करके कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, यहाँ पे जल्दी रिप्लाई मिलता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मतलब कौन सा प्रॉब्लम है, इसे कैसे शॉर्ट आउट मिलेगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।